साउथ पुलु पे बहुत ज्यादा तेज स्नो स्टॉर्म आ चुका है। दिस इज द बेस्ट लद्दाख ट्रैवल सीरीज एवर। Good morning, everybody. Welcome to strayartist. This is Indhir Pratap Singh. And this is Komal Singh Sira. आज हम कहाँ जा रहे हैं सोचो कहाँ जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं नुब्रा वैली और आज का हमारा चैलेंज क्या है हमारा चैलेंज है खारदुंगला Which is also the highest motorable road in the world. वैसे उससे भी ज्यादा कुछ highest motorable roads हैं Which is a topic for some other time. आज का डिस्टेंस जो हमें कवर करना है वो है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स और पहुंचते पहुंचते हो जाएगी शाम बोल के दुम 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 तारा मैंने गानी सुनने पता नहीं कहाँ से गाती है चलो वो हम जल्दी से निकलते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा हमने डायमॉक्स खा ली है क्योंकि खारदुंगला हाई एल्टीट्यूड पे है चलो चले आई एम रणधीर प्रताप सिंह एंड आई एम कोमल सिंह सीरा वी आर थिएटर आर्टिस्ट विद स्पिरिट्स ऑफ एन एडवेंचरर एज अ स्ट्रे वी ट्रैवल एंड एज एन आर्टिस्ट वी लिव वी आर द स्ट्रे आर्टिस्ट दोस्तों ये खड़ी हमारी बाइक हमारी पूरी लोडेड है जेरी कैन सेट है सैडल बैग सेट है टैंग बैग सेट है और टॉप बॉक्स भी पूरा का पूरा लोडेड है एवरीथिंग इज रेडी बस बाइक को कोल्ड स्टार्ट करना है और फिर हम निकलेंगे खारदुंगला के लिए तो दोस्तों आज हमें 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर करने हैं तो हम अपने ट्रिप बी को जीरो पे सेट कर देते हैं और हमने कारगिल से 283 किलोमीटर कवर किया और यहाँ पर आके ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के आसपास हमने कवर कर लिया है खारदुंगला इज 37 किलोमीटर अवे हम ले सिटी से निकल रहे हैं और जैसे हमने आपको बताया कि हमारा आज का टारगेट है खारदुंगला विच इज द हाईएस्ट motorable road and it is a very high altitude pass it's a crossroad which will lead us to Nubra Valley वहाँ पर मुझे सुनने में आया है कि दो लोकल बेहोश हो गए थे उनको AMS हो गया और उनको high altitude में वो survive नहीं कर पाए तो हमने डायमॉक्स ले लिया है and we'll make sure कि हम अपना ध्यान पूरा रखें तो हम अपने गॉड से प्रे करते हैं कि वो हमारा ध्यान रखे हमारी बाइक का ध्यान रखे ताकि हम ध्यान से और बिल्कुल सेफली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएं और आप लोगों के लिए कुछ जबरदस्त मजेदार कंटेंट क्यूरेट करें ताकि आप लोगों को भी ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं आज का दिन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे नुब्रा वैली ये रही ले की मेन मार्केट और यहां से सीधा जाते जाते आएगी ले की मोती मार्केट विच इज अ लोकल मार्केट जैसे आपने हमारे सीरीज में देखा होगा टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट में इस पतली सी गली में आएगी मोती मार्केट वहां पर सब कुछ मिलता है दोस्तों जीन्स से लेकर अच्छे कपड़े जैकेट से लेकर अच्छे स्वेटर्स टेस्टी खाना इवन कॉन्टैक्ट लेंसेज जैसी चीजें मिलती हैं जो रिमोट एरियाज में नहीं मिलती हमारे जस्ट सामने है लद्दाख गेट अब हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे वो हमारे को लेके जाएगा खारदुंगला और नुब्रा वैली की तरफ आज का मौसम थोड़ा क्वेश्चनेबल है कभी धूप निकल रही है और कभी मौसम खराब हो रहा है ये आ गए हम खारदुंगला रोड पर इस रोड का नाम भी खारदुंगला रोड है वहां पर ले पैलेस और उसके ऊपर है नामग्याल सिमो और इस रोड पर 37 किलोमीटर बाद आएगा खारदुंगला पास और यहीं से दिख रहा है कि ऊपर बर्फ के पहाड़ों पे बादल हो रखे हैं तो मतलब ठंड बहुत ज्यादा होने वाली है अभी यहाँ पर धूप थी इतनी तेज और एकदम से पूरी धुंध हो चुकी है ये ड्राई एरिया है यहाँ पर बारिश कम होती है तो हमें इस चीज से निश्चिंत रहना है कि बारिश होगी बट देन ड्रिजलिंग भी होगी तो टास्क और मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा लोग इस जगह को विजिट करने जा रहे हैं मेरे पीछे भी गाड़ी है मेरे आगे भी गाड़ी है मेरी गाड़ी के आगे भी गाड़ी है और मेरे पीछे वाली गाड़ी के पीछे भी गाड़ी है बट थोड़ा सा ही चढ़ते ही व्यू बहुत अच्छा हो गया है ये है ले व्यू पॉइंट एल्टीट्यूड 13,000 फीट और हमारे को 18,000 फीट तक जाना है जस्ट लुक एट दिस स्पेक्टेक्युलर व्यू ये ले के छोटे छोटे आउटस्कर्ट्स है समझ लो NCR है ले का है ये नोएडा है उधर गुड़गांव था एयरपोर्ट से पहले रोड बहुत अच्छी बनी हुई है ऊपर जाके शायद मैंने सुना है थोड़ा सा पीस खराब है बट कोई बात नहीं ऐसी सुंदरता के लिए हम ये भी भूल जाएंगे ये बगल में देखो दोस्तों क्या जबरदस्त व्यू है
मजेदार। और आपको दिख रहा होगा ये सामने वाले पहाड़ में छोटी छोटी चींटियों की तरह गाड़ी चल रही है और उसके बाद पीछे बर्फ के पहाड़ में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रखी है विच मींस वहां से हम होते हुए जाएंगे। मुझे किसी ने वॉर्न किया था कि वहां पर ट्रैक पर भी थोड़ी बर्फ है तो बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी क्योंकि बाइक स्किड करेगी। थोड़ा सा ध्यान से रखना है अपने आप को और अलर्ट रहना है, खुशी खुशी में होश नहीं खोने। लेट्स नॉट गो गामा इन द लैंड ऑफ लामा। ये कॉर्नरिंग करो इतनी भारी बाइक पे। वो देखो दोस्तों वो जा रही माइटी खारदुंगला की रोड, पूरे के पूरे पहाड़ में ऐसे बीच में लाइन कट रखी है। यहाँ से अगर आपको दिख रहा है तो वो पीछे एक वाइट पहाड़ है और वो बीच में से पूरा डिवाइडेड है। दोस्तों अभी हम रुके हुए हैं साउथ पुल्लू, ये है ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर फ्रॉम ले सिटी और यहाँ पर सारे बाइकर्स को रोक दिया गया है, इसको आगे नहीं जाने दे रहे क्योंकि हैवी स्नोफॉल हो रही है। आप देख ही सकते हो हमारे ऊपर पूरी बर्फ जो गिर रही है, जितने में हमने कैमरा निकाला उतने में ये स्नोफॉल इतनी तेज हो गई, अभी छिन मिन पड़ रही थी और अब बहुत ज्यादा तेज हो गई और ऊपर पूरा स्नो स्टॉर्म आ रहा है, इसलिए वो जाने नहीं दे रहे सिक्योरिटी रीजन से क्योंकि ट्रैक पर भी बर्फ है, अगर आप गिरे तो फिर आपको लाइफ दूसरा मौका नहीं देगी, आप खारदुंगला से सीधा साउथ पुल्लू आओगे पर नहीं जा पाओगे। ओ बाबा कैमरा, हमारी तो वही हिम्मत नहीं हुई, मैंने तो हेलमेट भी नहीं उतारा तब से। और दोस्तों एक बहुत बड़ा फकअप कर चुके हैं हम, इतना बड़ा फकअप हमने अपनी जिंदगी में नहीं करा, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। हमारे पास जिंदगी में एक ही तो चीज है, वो क्या है? पैसा। हमारे पास बहुत पैसा है, हमने इतनी बड़ी गलती कभी भी नहीं करी, हम जब भी निकलते हैं कैश चेक करके निकलते हैं, थोड़ा ज्यादा ही लेके निकलते हैं कि कोई भी और चीज सिचुएशन आए तो हमारे पास पैसे हो, लेकिन आज 10 रुपए भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ 10 रुपए पड़े। हम सोचे थे हम चाय पियेंगे जाके, लेकिन हम चाय भी नहीं पी पाएंगे, हमें वापस जाना पड़ेगा, हम वहाँ जाके चाय पियेंगे। नेक्स्ट एटीएम यहाँ से अगर हम खारदुंगला की तरफ जाते तो डिस्केट में पड़ेगा विच इज 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर के लिए नो टी नो ब्रेक नो मैगी। और अगर हम जाते हैं वापस इस साइड जो कि है ले, तब तो एटीएम ही एटीएम है, तब तो फिर वापस अमीर राजा की तरह बिहेव करेंगे। अभी पैसा नहीं है दोस्तों, ऐसी गलती तुम मत करना, हमने अपने होटल वाले को सारा कैश में दे दिया और हमारा बिल्कुल स्क्रू अप हो चुका।
चुका है। बॉस आपका नाम क्या है? मनीष कुमार। ही इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इस बेचारे का लद्दाख ट्रिप अनप्लान्ड था पहले, फिर इसका ट्रिप अग्री जब हुआ तो इसका ट्रिप सबसे खराब गया है। इसका सब कुछ नुकसान 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 ही होता है। कैसा लग रहा है दोस्त आपको? अच्छा ही लग रहा है, जो भी है बढ़िया है। एडवेंचर ट्रिप है, एडवेंचर हो रहा है। दोस्तों आप ये देख सकते हो, खारदुंगला तो दिख भी नहीं रहा है। मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैं बैर नहीं कर पा रही और चाय भी नहीं पी पा रही, और हमारा गेयर भी गीला हो जा रहा है स्नोफॉल के कारण। तो हम गेयर को अभी अंदर रखते हैं, आपको बाद में बताएंगे कि हम यहाँ से वहाँ गए या वहाँ गए। दोस्तों वो देखो, आप पंजाब से लोग आप भंगड़ा डाल रहे हो, उनका कैंसिल हो चुका है, उनकी जिंदगी बच गई, वो इतना ज्यादा खुश है। ये पूरा ग्रुप आ रखा है, आपका ग्रुप कौन से सर? दिल्ली टीम अस्त्र, इनके ग्रुप का नाम है। स्नो स्टॉर्म बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पे हमारे कोई ग्रुप ने रोक लिया था तो हम उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। बर्फ बहुत ज्यादा, मैंने उनके लिए वो उतारा। एंड इट इज नॉट सूटिंग मी। इसके बाल देखो, बाइक पे देखो कितना ज्यादा वो स्नो। यहाँ से ये देखो, बर्फ ही बर्फ जम चुकी है गाड़ी पे। और आगे कंसोल में देखो, ये देखो यहाँ पे बर्फ, यहाँ पे बर्फ, वहाँ पे बर्फ, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। आगे जाना बिल्कुल भी सही नहीं, अब तो ऑफिशियली मना कर दिया उन्होंने कि कोई राइडर आगे नहीं जाएगा क्योंकि स्नो स्टॉर्म बहुत बढ़ चुका है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ पर रुककर अपनी जान को जोखिम में डालना इज नॉट अ गुड आइडिया। बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, स्नो स्टॉर्म बहुत तेज हो चुका है। आप देख सकते हो बाइक पे पूरा स्नो स्नो स्नो। और नॉर्मली अभी जब हम आए थे तो पूरा पहाड़ खाली था, और अब इस पूरे पहाड़ पर बर्फ हो चुकी है। तो अब हम वापस जाते हैं ले सिटी, वहां पर आराम करेंगे और कल वापस ट्राई करेंगे खारदुंगला क्रॉस करने की। आए थे तो इस पूरे पहाड़ पर कोई धुंध नहीं थी, कोई बर्फ नहीं थी। अब इधर इतनी ज्यादा धुंध हो चुकी है और यहाँ की विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि अब हम जल्दी से जल्दी नीचे पहुंचे और जाके कुछ गर्म खाएं और कुछ गर्म पिएं। इट इज नॉट सेफ अप हियर, और जल्दी से जल्दी कोई होटल लेकर वहां पर आराम करें क्योंकि अब हमारे को ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। एंड मेरे वाइजर का पिन लॉक भी खराब हो चुका है तो मेरे लिए व्लॉग करना बहुत मुश्किल हो रहा है वाइजर बंद करके, क्योंकि मुझे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। जान बच गई, अब क्या कर रहे हो तुम? मैं आई हूँ वॉलनट केक खाने, मेरी फेवरेट 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 कैफे पे, विच इज ले कैफे। और ये केक बहुत फ्रेश बन के आया। ऊपर तुम्हें केक मिला कि नहीं? पता है मैं सुबह ना सोच ही रही थी कि यार आज मेरा ना केक खाना रह गया यहाँ पे, तो भगवान ने कहा कि चलते वो केक खिला ही देता हूँ। उन्होंने मुझे खारदुंगला से वापस भेज दिया, केक खा ले। दिस इज द बेस्ट लद्दाख ट्रैवल सीरीज एवर। दोस्तों अभी हम ले सिटी में आ चुके हैं। जैसे हमने साउथ पुल्लू से 3-4 टर्न नीचे आए थे एकदम से धूप आ गई थी, और ले सिटी में तो इतनी तेज धूप हो रही है। कल का वेदर फोरकास्ट फिर से सनी दिखा रहा था, हम कल फिर से ट्राई करेंगे खारदुंगला जाने की एंड देखते हैं कि हम सक्सेसफुल हो पाते हैं नुब्रा वैली पहुंचने में। फिलहाल अभी हम रेस्ट करेंगे कहीं होटल देख के, अभी ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, हाथ एकदम फ्रीज हो चुके हैं मेरे तो। हम धूप में भी है लेकिन हमें धूप फील नहीं हो रही है अभी तक, मुझे ऐसा फील हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो सही होगा, देखते हैं। तब तक के लिए केक खाते हैं। दोस्तों हमने ये पिज्जा ऑर्डर करा है और हमने करे हैं नॉन वेज स्टीम मोमोज एंड शी इज वेरी एक्साइटेड। मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, स्पेशली पिज्जा जो है वो मेरे स्टाइल का है, मुझे थिन क्रस्ट पसंद है, और वैसे ही क्रंची क्रंची पिज्जा है विद मशरूम्स। लिए कैफे में ना जो फूड है वो भी बहुत अच्छा है। मैं मशरूम पिज्जा खा रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में मशरूम नहीं खाई, बट इट इज सो टेस्टी। वेज फूड मुझे इतना पसंद नहीं है। देखो ये रहा मशरूम, ये रहा इस पे लगी केचप एंड मोमोज तो बहुत ही अमेजिंग। ले सिटी के बेस्ट मोमोज मैंने यहीं ले कैफे में खाए, इनकी येलो कलर की सॉस है। हमें येलो कलर की सॉस पे डाउट था कि मोमोज कैसे होंगे, लेकिन ये येलो कलर की सॉस ने अपना काम दिखाया। हमारी जुबान पे लग के सॉस ने हमारी जुबान केसरी कर दी।
ये था हमारा फेल्ड अटेम्प्ट टू खारदुंगला, लेकिन हम निराश नहीं हुए, हम कल फिर ट्राई करेंगे। हमने अभी पेट भर के खाना खा लिया है, बहुत अच्छी अच्छी पेस्ट्री खा ली है, और चलो अब होटल पे मिलते हैं। Thank you.